आज रात को मंगल, शनि और बृहस्पति तीनों एक त्रिकोण बनेंगे और उसकी वजह से साइन साइंस होगी और वो साइन साइंस की वजह से बिजली बिजली कड़कने की संभावना है रात को। ये कोई आम बिजली नहीं है, ये है साइंस फिक्शन वाली बिजली। बिजली खड़ी, ये है बिजली खड़ी। ये साइंस क्या होता है भाई? कोई नई पिक्चर होगी, शाम को ओल्ड मॉन्ग और मसाला पापड़ खाते हुए देखेंगे। Yes, science, bitch. वहाँ उसी गांव के इंटरनेशनल ढाबे में बैठा है गांव का दरोगा, मूंछ वाला दरोगा, जो अपनी ही बेटी को स्टॉक कर रहा है चुप चुप के। क्यों बे? मुझे पता चला है कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। वाओ सर, कौन सर? जेसन, आज आने दो से पास, लगाता हूँ उसकी मैं वाट। पर वहीं शिबू, उसी इंटरनेशनल ढाबे का इंटर्न, आके कहता है, सर मेरा बटवा खो गया, FIR लिख दो ना प्लीज। ए, चल भाग यहाँ से, यही सब काम है क्या मेरा? FIR लिखो, जनता की सेवा करो, कानून की रक्षा करो, हट, मुझे पर्सनल काम भी है, निकल यहाँ से। भड़कते क्यों सर, नॉर्मी हो क्या? Yes. पर जेसन तो है उस गांव का मोस्ट पॉपुलर बैचलर, जो अमेरिका जाने के लिए वीजा की एप्लीकेशन भरता है, सेक्सी फोटो शूट करवाता है, ऑफलाइन टेंडर के लिए एबीबास के ओरिजिनल कपड़े पहनता है, I'm an adult virgin. तरुगा की बेटी बिंसी से प्यार करता है विद कंसेंट, पर बाप को ये रिश्ता नहीं है मंजूर, तो वो देता है इसे गाली और इसके मुंह पे बजा देता है ताली। साले मेरी बेटी से दूर है, वो एक सर्टिफाइड गोल्ड डिगर है और एक गोल्ड अमीर लौंडे के साथ उसकी मंगनी हो गई है, समझा? तो तू अपना डंडी धोना कहीं और जाके कर, मैं चला, ओके बाय। जेसन का दिल गया टूट, ऊपर से लड़की के बाप से ये गया कूट, तो ऐसे कैसे जाने दे, कन्फ्रंटेशन चाहिए भाई। वहाँ शिबू अपने घर जाता है, अपने डेरिंग बास बाप के पास, जो बीड़ी पीते पीते पटाखे बना रहा है। जिंदा रहने का है, डेयरिंग कर। डेयर के नाम पे अपने क्रश से राखी बंधवाता है, तलवार से अपना कूला खुजाता है, ऐसा डेयरिंग बाज इंसान है शिबू का बाप। सुन बे ओए, तेरे बचपन की क्रश उषा वापस आ गई है, बीड़ी पिएगा? हीरागिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। शिबू ये न्यूज सुन के खुश हो गया, वो अपने पोर्टेबल बोट में बैठ के नॉस्टैल्जिया में चला जाता है। उषा, शिबू के बचपन का प्यार उषा, शिबू का आर्ट चूज करने का इंस्पिरेशन उषा, शिबू का स्टॉकर बनने का इंस्पिरेशन उषा, किसी ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई उषा, वेट व्हाट? वहाँ एक तरफ शिबू जिसको कभी प्यार ही नहीं मिला, और एक तरफ है जेसन जिसका प्यार बेवफा बेवफा गोल्ड डिगर निकला। अस ब्रो अस, हे परमेश्वर थॉर, ये सब देखने से पहले मेरे पे बिजली क्यों नहीं गिरा देता तू? कि तभी मंगल, शनि और बृहस्पति एक त्रिकोण बनके थॉर की शक्ति इस्तेमाल करके बिजली गिरा देते हैं, और ये बिजली जा लगती है जेसन को और बोट में पड़े शिबू को। तो तभी जेसन को गांव वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्या ये मर गया? नहीं। और वहां पर पोर्टेबल बोट में शिबू पड़ा है, क्या ये मर गया? नहीं। तो गांव का इकलौता पढ़ा लिखा डॉक्टर जेसन का इलाज कर रहा है, जेसन को दर्दनाक इंजेक्शन मिल रहे हैं, मगर ये क्या, ये तो स्ट्रेचर तोड़ रहा है। ECG मशीन कनेक्ट करो यार, तो मशीन कांप रही है। हे राम, हो क्या रहा है जेसन को? वह शिबू जो गिर पड़ के घर आया, पर उसका डेरिंग बाज बाप गिव्स नो फक, क्योंकि वो डेरिंग बाज है ना भाई। किससे पिटके आ रहा है रे? तो शिबू सोने का ट्राई करता है, पर वेल उसके आसपास सब हिल रहा है, मानो भूकंप आया हो। यहाँ जेसन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके घर आ जाता है, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है ना इसके पास, और एक सलाइन की बोतल चढ़वा के हॉस्पिटल वाले 4 लाख का बिल और चढ़ा देंगे। पर घर आते ही खड़ूस पुलिस वाला जीजा ताने मार रहा है, ये अब तक जिंदा है? और हॉस्पिटल बिल और ताने पे मक्खन मारने के लिए एक्स गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड की शादी का कार्ड भी आ गया। तो उस रात जेसन 2 बजे तक रोया, पर जेसन की बहन का बड़ा है अबे दिल, तो उसे पता है कि अमेरिका का आता है महंगा बिल, तो वो अपना ही बटवा मार के उसे गहने दे देती है, व्हाट द फक। मगर पैसों की जरूरत जेसन से ज्यादा उसके टेलर स्टार्टअप में काम करने वाले दासन को है। मेरी बहन उषा की बेटी बीमार है, उसके पैसे के लिए इलाज चाहिए, मतलब इलाज के लिए पैसे चाहिए, सॉरी दा, आई एम ब्रोक दा। वहाँ बिंसी ने जेसन का दिल तोड़ा
और जिस इंसान के साथ उसने दिल जोड़ा उस इंसान ने जेसन के भतीजे की कराटे इंस्ट्रक्टर ब्रूसली का दिल तोड़ा, तो ब्रूसली ने उसको तोड़ा, बहन का लौड़ा। ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे गांड में छतरी डाल के नहीं खोलाना, मैं तो मेरा नाम बंटी नहीं। पर जेसन की खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही, वो खांसते जा रहा है कि उसकी उल्टी बेरंगी है। वॉट बोला था ना भाई, ओरियो पकौड़े मत खा, पकौड़े के अंदर ओरियो है। तो उसे हर एक चीज दूर से सुनाई दे रही है, इवन सामने वाले गांव की गली नंबर 3 के कोठे में अनुपमा चल रहा है। जेसन को पता है, वो खिड़की खोलने का ट्राई करता है पर पूरा घर खोल दिया इसने। क्या हो रहा है जेसन को? वहाँ उषा अपनी बेटी और भाई दासन के साथ गांव के इंटरनेशनल ढाबे पे चाय पीने जाती है। उषा की बेटी बीमार है और बेचारी हॉस्पिटल के चक्कर काट रही है हर दिन, मगर गांव के सारे लीचड़ मर्द उषा को गंदी नजर से देख रहे हैं क्योंकि ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई थी ना ये। पर शिबू आज भी उससे प्यार करता है, वो उषा को छुप छुप के देख रहा है, पर उसकी भी तबीयत खराब है कि ये क्या बेरंगी उल्टी, ये ओरियो पकौड़े खाना बंद करवाओ बे। ये देखिए ओरियो की भजिया है ये। अबे चुप। वहाँ जेसन का दरोगा जीजा जेसन की बहन पे हाथ उठा रहा है। ए, मेरी बहन पे हाथ उठाना बंद कर, वरना वरना क्या करेगा, मारेगा, मारना ए, मारना मार। अबे जा बे। पर जेसन का झटका इतना जोरों से लगा कि जीजा मर गया। अरे नहीं 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 नहीं, बच गया, पर 206 हड्डियां ही टूटी हैं इसकी। और हाथ उठा औरत पे, यही होना चाहिए ऐसो के साथ। Yes, exactly, exactly. मगर वेल, अब जेसन को समझ में आ गया, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, जेसन के भांजे को समझ में आ गया कि मामा गॉट पावर्स, मामा कैन रन, मामा कैन स्ट्रॉन्ग, मामा कैन जंप, बट मामा कांट फ्लाई, मामा कांट मन से उठा ऑब्जेक्ट्स। कोई बात नहीं। पर शिबू को भी समझ आ गया उसके पावर्स के बारे में, वो मन से चीजें उड़ा सकता है और वो बहुत शक्तिशाली भी है, तो इस पावर को कहाँ यूज करें, दुनिया को बचाने के लिए? अबे नहीं, चमड़ी मैटर पर बात पहन। तो भैया जी लग जाते हैं उषा के पीछे, मगर उषा को सारा गांव गंदी नजर से देखता है, इवन इंटरनेशनल ढाबे का ओनर भी, जो उषा को छेड़ रहा है उसकी बेटी के सामने। शिबू को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो वो अपने पावर से उसे उड़ा देता है और धमकी देता है, आज के बाद मेरी उषा को परेशान किया तो तेरे को कच्चा चबा जाऊंगा बिना नमक के। तो भाई शिबू का अब कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, वो एक कमजोर इंसान से सीधा सबसे पावरफुल आदमी जो बन गया है। तो शिबू अपने प्यार उषा के पास जाता है, मगर ये क्या, उषा की बेटी बेहोश हो गई, क्योंकि वो बीमार है ना यार। इसके इलाज के लिए 40,000 रुपए लगेंगे, ले आओ तो इलाज शुरू कर देंगे, क्योंकि हम हॉस्पिटल है, पैसों के बिना हम तो सांस भी ना लेने दे। तो शिबू कहता है, उषा मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए पैसे, मेरा इंतजार करना। Meanwhile, Bruce Lee दुखी है क्योंकि उसी के एकेडमी के सामने उसके एक्स ने सीसीटीवी वाली दुकान जो खोली है। वाह भाई। पर इसके दुख पे मलाई मारने के लिए खबर आती है कि जेसन का पासपोर्ट अप्रूवल नहीं हुआ। मगर क्यों? खंबा नहीं दिया था कभी तूने? तो पता चलता है कि जेसन के पुलिस वालों के साथ संबंध काफी अच्छे हैं, क्योंकि एक है पुलिस वाला जीजा जिसको मार के बना दिया था इसने पिज्जा, और एक है पुलिस वाला एक्स ससुर जो करियर कर रहा है इसका चूर। क्यों बे जेसन, मेरी बेटी छेड़ोगे आप? पहले ये तो जान लो कि कितने हैं आपके बाप। तेरा असली बाप नाटक कंपनी में काम करता था और उसका नाम था मार्टिन गैरिक्स। अबे तेरा बाप तो सनबर्न नहीं जा पाया कभी, पर बर्न जरूर हो गया था, लॉल। तो जब तक मैं जिंदा हूँ तेरा पासपोर्ट तो अप्रूव नहीं होगा, समझा? ओके बाय। तो जेसन है दुखी क्योंकि जिस इंसान को वो बचपन से बाप बुलाता आ रहा है वो कौन है? इसकी सारी जिंदगी एक झूठ है। तुम्हारा बाप सिर्फ किसी धमाके में नहीं मरा, वो एक महान इंसान था। हर साल गांव में मेले में उनका नाटक होता था, उस साल आग के कारण अफरा तफरी मच गई, पर तुम्हारे पापा लोगों की जान बचाते रहे और तब तक उस आग से लड़ते रहे जब तक आखिरी आदमी तक नहीं बच गया और वो उसी धमाके में चल बसे। उस धमाके की वजह से तुम्हारी याताश भी चली गई, मैंने तुम्हें गोद ले लिया, और ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे पाप बोलना ही छोड़ दोगे। तो जेसन को उसके पाप की संदूक से मिलती है एक हीरो की स्क्रिप्ट जो उसके पापा ने लिखी थी, मिन्नल मुरली, एक ऐसा हीरो जो लोगों को उम्मीद देता है। मगर ये क्या, जेसन के करंट पाप को उस पुलिस वाले ने मारा? तो अब समय आ गया है भाई उन लोगों को सबक सिखाने का जिन्होंने जेसन के बाप को दुख पहुंचाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अपना जेसन शाम को हो रहे इवेंट पे जाता है, वो मास्क पहन के रखता है ताकि कोई पहचान ना पाए, और हर एक पुलिस वाले को ये मारा वो मारा ते मारा के मारा,
जीजा आ गया सामने, चल हट बे, और कहता है आज के बाद किसी भी कमजोर को परेशान किया तो मैं नल मुरली छोड़ेगा नहीं तुम्हें। वहाँ शिब्बू जिसको पैसों की अब जरूरत है वो भी मास्क पहन के गांव के किसी बैंक से सारे पैसे और जेवरात चुरा लेता है। What the fuck? मगर शिब्बू के पैसे देने से पहले दासन ने हॉस्पिटल का बिल चुका दिया। कैसे? वहाँ अगले दिन पूरे गांव में है चर्चा कि मिन्नल मुरली ने पुलिस को कूटा और बैंक लूटा फॉर खर्चा। कौन है मिन्नल मुरली? पूरे गांव में बस अब यही बात चल रही है, ट्रेंडिंग टॉपिक जो है, क्योंकि जेसन ने तो पुलिस को पीटा, बैंक कब लूटा, और शिब्बू ने बैंक लूटा पर पुलिस को कब कूटा। सो मच कंफ्यूजन भाई। जाना बे, ये तो जेसन कहता है, क्या मिन्नल मुरली जेसन है? मीनवाइल जेसन का पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए उसे चाहिए पैसे जो उसने अपनी दुकान में छुपा रखे थे, बिल्कुल सेफ, एक खुले ड्रॉर के अंदर। किसने लिए मेरे पैसे? दासन, तूने लिए मेरे पैसे? हाँ, मैंने लिए तेरे पैसे, क्योंकि उषा की बेटी बीमार है ना, उसके इलाज के लिए चाहिए थे। तो चोरी करेगा साले, शाम तक पैसे मिले नहीं ना तो मैं तेरे को जला के मार दूंगा। पर शिब्बू दासन को पैसे देके कहता है, दासन ये लो पैसे, जेसन को लौटा दो, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। चल भोसड़ी के। शिबू को ये बात अच्छी नहीं लगी तो शिबू दासन को चला के मार देता है और दीवार पे लिख देता है मिन्नल मुरली। पूरे गांव को अब जेसन पे शक है क्योंकि उसी ने धमकी जो दी थी यार। मगर इंटरनेशनल ढाबे का ओनर जानता है कि ये काम शिब्बू का है क्योंकि उसने देखा है उसकी पावर्स को, पर वो डर के मारे गांव छोड़ के भाग जाता है। पर जेसन की फटी पड़ी है कि ये कौन है जो हैशटैग मिन्नल मुरली यूज करके व्यूज कमा रहा है, तो वो स्ट्रेस में ब्रूसली को कन्फेस कर देता है कि उसने उसके न्यूड डिलीट नहीं किए थे, वो मिन्नल मुरली है। अच्छा मजाक है, तुमको क्या हर वक्त डेमो दिखाना पड़ता है? तो ब्रूसली और जेसन और उसका भतीजा और पूरा गांव मिन्नल मुरली को ढूंढ रहा है कि तभी ब्रूसली का चला दिमाग, सीसीटीवी में दिख जाएगा किसने लगाई आग। पर उससे पहले पुलिस वाले फुटेज देखें, गांव में एक खबर फैल गई सीसीटीवी फुटेज के बारे में। तो शिबू बोरा मास्क लगा के पहुंच जाता है थाने, अबे ये वाला नहीं ये वाला, और पुलिस उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रही और वो टेप तोड़ने जा रहा है कि तभी आ गया हमारा मिन्नल मुरली और चेस शुरू। जेसन शिब्बू के पीछे भाग रहा है, वो शिब्बू का कॉलर पकड़ लेता है पर शिब्बू टेप तोड़ के भाग गया और साथ साथ बस का ब्रेक फेल करके भी। मगर जेसन अपनी पावर्स यूज करके सबको बचा लेता है और बस पे लिख देता है मिन्नल मुरली ओरिजिनल। पर तभी जेसन को रियलाइज हुआ कि उसने उस दिन आदमी का कॉलर उखाड़ दिया था और गांव का हर एक आदमी जो कपड़ा पहनता है वो जेसन की दुकान में ही बनता है, तो वो अपने रिकॉर्ड चेक करता है और मिल गया कल्प्रिट शिब्बू। यहाँ शिब्बू को हॉस्पिटल से पता चलता है कि उसकी तरह किसी और पे भी बिजली गिरी थी, तो वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक करता है और उसे मिलता है जेसन। और तो और जेसन के जीजा को एक फोटो मिला जिससे ये पता चलता है कि मिन्नल मुरली कौन है। टॉपसन्स लाइट को पता चल गया कि एल कौन है और एल को पता चल गया कि कीरा कौन है, तो दोनों का हुआ मिलन। देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हाँ माना मैंने दासन को मार दिया और तेरा नाम हर जगह इलीगली यूज किया, पर मैं एक अच्छा आदमी बन सकता हूँ। उषा जिस दिन मुझे अपना लेगी मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा। मगर ये क्या, गांव वाले जमा हो गए और ये कह रहे हैं वो है मिन्नल मुरली, वो देखो मिन्नल मुरली, अरे यही है मिन्नल मुरली। मगर इन्हें कैसे पता चल गया कि जेसन ही मिन्नल है? कि तभी शिब्बू को दिखा वो इंटरनेशनल ढाबे का ओनर जो एक स्निच है। ये तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए आया है, तुम भागो यहाँ से। और गांव वाले शिब्बू पे हमला करते हैं पर शिब्बू सब पे भारी पड़ गया। वहां जेसन का जीजा हरामखोर जेसन को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि तू ही है मिन्नल, ये देख सबूत तेरी माँ की चूड़ी, अब तू यहीं सड़ेगा। वहां शिब्बू को अब भागना होगा, वो सामान बांध रहा है कि वो देखता है कि उषा और उसकी बेटी उसी के घर पे है और उषा उसका आर्ट देख लेती है। तुमने कभी बताया नहीं इतने साल तक, तुमने ये बातें क्यों छुपाई, क्यों? तुम अब आ गई हो ना, अब हम साथ रहेंगे। तो शिब्बू को फाइनली उसकी जिंदगी का प्यार मिल गया। मगर पूरा गांव वहां आ गया मशाल लेके, वो मशाल उसके घर में फेंक देते हैं और उससे पहले शिब्बू उन्हें रोक पाए उसके घर के बारूद में आग लग गई और
शिब्बू को फाइनली उसका प्यार मिला, पर उसने उसे भी खो दिया। शिब्बू का प्यार मर गया तो अब शिब्बू के अंदर सिर्फ नफरत है, नफरत। तो भाई गांव में एक मेला होने वाला है, तो पुलिस वाले प्रोटेक्शन में है वहाँ पर। शिब्बू का बाप जाके कहता है, साहब साहब शिब्बू को रोक लो, उसने जब भी अपनी कोई प्यारी चीज खोई है विनाश हुआ है, विनाश, और अब भी वही होने वाला है। शिब्बू वहाँ आ गया, कोई नहीं बचेगा, अब सब मरेंगे मेरे हाथों, आज पूरा गांव जलेगा। और शिब्बू वहाँ के चर्च के अंदर चला जाता है, जिसको ब्रूस ली ट्रैक कर लेती है। तो पता चलता है अंदर शिब्बू ने बारूद लगा रखा है और उस आइलैंड पे सब मर जाएंगे। जेसन मुझे नहीं पता तुम क्या हो, पर इतना पता है कि तुम ही हमें बचा सकते हो, शिब्बू को रोक लो प्लीज। वहाँ शिब्बू लोग को बंद करके उनको उड़ा के मारने वाला होता है और सब डरे हुए हैं कि तभी अचानक से किसी ने शिब्बू को दे मारा। कौन है ये सुपर हीरो? ये है अपना मिन्नल मुरली अपने कॉस्ट्यूम में। तो ये जा भिड़ता है शिब्बू से और दे मारा शिब्बू को, मगर शिब्बू के पास है टेलीकिनेसिस, वो चीजें उड़ा उड़ा के मार रहा है मिन्नल को, और मिन्नल पे भारी पड़ रहा है, पर वो लड़ते जा रहा है, पर कब तक? शिब्बू इन्हें जाने दो, ये लोग मासूम है, मेरी उषा भी मासूम थी, इन्होंने मार दिया उसे, आज सब मरेंगे। शिब्बू जेसन पे चर्च का घंटा गिराने ही जा रहा होता है जेसन को हराने के लिए, लेकिन जेसन को अपना बाप याद आता है जिसने मरते दम तक हर आदमी की जान बचाई, मगर तभी चर्च का घंटा गिर गया। और ये क्या, जेसन के पास भी टेलीकिनेसिस पावर आ गई, और वो जा भिड़ता है शिब्बू से। शिब्बू उस पे कुछ भी फेंके पर जेसन उसे रोक सकता है, तो शिब्बू उस पे भाला फेंकता है, मगर जेसन उसे ऊनो रिवर्स करके शिब्बू को मार देता है, और शिब्बू अपनी आखिरी सांस में भी उषा के बारे में सोच के मर जाता है, और जेसन ने सारे गांव वालों को बचा लिया और कहानी खत्म। नहीं नहीं अभी नहीं। तो भाई अब जेसन अमेरिका नहीं जाना चाहता, वो अब यहीं रुक के लोगों की मदद करेगा और अपने पापा की लेगेसी मिन्नल मुरली को जिंदा रखेगा, और कहानी खत्म। तो इस कहानी में हमने क्या देखा, दोनों के पास पावर सेम थी, दोनों इंसान भी अच्छे थे, पर फिर भी एक विलन और एक हीरो क्यों बना? शिब्बू तो उषा से प्यार करता था जबकि जेसन बस इमेजिनेशन में जीता था, पर समझने वाली बात ये है जब लालच आ जाता है तो नियत बदल जाती है, फिर चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो। तो भाई आज है 5 अप्रैल, मतलब वो दिन जब इस लड़ाई की शुरुआत पासवर्ड बदलने से शुरू हुई थी। तो अब टाइम आ गया है 25 दिन में चैनल स्प्लिट देखने का। तो भाई अब चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ, क्योंकि अब बजने वाली है। और एनी तू गाना बजा दे यार। ANNNY, it's your boy Annie, जिसके पास नहीं है मनी, पर ध्यान से सुनना हनी, तेरे जैसा कोई ग्रू भी नहीं और मिनरल मुरली जैसा सुपर हीरो मूवी नहीं। हीरो नहीं इसके जैसा इस जहान में, विलन पहुंचाइए तो सीधा कब्रिस्तान में, डायरेक्टर साहब इसका सीक्वल बनाओ तो, हमें जरा इसका नाम बताओ तो। इट्स मिन्नल मुरली, इट्स मिन्नल मुरली, इट्स मिन्नल मुरली, इट्स मिन्नल मुरली। It's Mindal Murli, it's Mindal Murli, it's Mindal Murli, it's Mindal Murli.